सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ व्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं मिल रही हूँ शाम के 7 बजे, नॉट सुबह, शाम के 7 बजे, और ये मेरी चाय ब्लैक टी है। सो पीती हूँ चाय और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। अगेन मैं मिल रही हूँ आपसे 8 या 9 दिन के बाद। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आज है 12 मई और आज से हमारा समर वेकेशन चालू हो गया है मेरे स्कूल का। अगेन हाँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं क्यों इतनी से ब्लॉगिंग ठीक से नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने अपना स्कूल अगेन ज्वाइन कर लिया है। नॉट अ सेम स्कूल, दिस इज अ डिफरेंट स्कूल। सो अगेन मैंने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया तो थोड़ा सा टाइमिंग में इशू हो रही है। एक बार मैं टाइमिंग को समझ जाऊँ तो मैं हमेशा ब्लॉगिंग करते रहूँगी। खैर, तो अभी हो गया है समर वेकेशन, तो मैं आपको डेली नज़र आऊँगी। सो गाइस, आज रात के डिनर में हमारा बनेगा कटहल। रोटी मैंने पहले ही बना दिया है, सो अब मैं कटहल की तैयारी कर रही थी। कटहल मैंने बॉईल करने दे दिया, तो जब तक कटहल बॉईल हो रहा था मैंने रोटी कर दिया है, बना के रख दिया है ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत समय तक गैस के पास रहने की मन नहीं करती है। यहाँ मेरा तेल गर्म हो गया है और कटहल बॉईल था, तो बॉईल कटहल को मैं थोड़े थोड़े करके इसे फ्राई कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, इसको रेड भी नहीं करना है, बस हल्के हल्के फ्राई करके निकाल देना है। सारे कटहल को ऐसे हल्का हल्का करके निकाल दूँगी ताकि इसे ये खाने में भी टेस्ट लगता है और बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। बॉईल मैंने कटहल इसीलिए कर दिया था कि सब्ज़ी जल्दी बन जाए। तो हम लोग जो कटहल बनाते हैं ना, वो बिल्कुल भी उसमें पानी ऐड नहीं करते हैं, तो हमारा जो कटहल होता है वो एकदम ड्राई कटहल होता है, जो कि रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा होता है। आप चावल के साथ भी खा सकते हो और वो बहुत यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो जो आप अभी देख रहे हैं, हल्की हल्की मेरी कटहल ब्राउन हुई है, मैं ऐसे तरह सारे कटहल को निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से भूज के छोड़ दूँगी। इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं होगा, आप मेरी लास्ट तक देखिएगा, कोई पानी मैं ऐड नहीं करूँगी। तो ये रहा, तो इसी तरह से मैंने पूरे कटहल को निकाल दिया। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हरी कटहल ब्राउन भी दिख रही होंगी आपको, तो ब्राउन नहीं करना। और इस वक्त कोई मसाला नहीं मिलाया है मैंने फ्राई करते वक्त। इसमें मैंने सिर्फ एक तेज़पत्ता डाला है और कुछ प्याज डाली है। प्याज मैंने इसमें डाला भी है कट करके, और एक प्याज मैंने ऑलरेडी पीस भी लिया है ताकि इसका जो मटेरियल हो ना वो तो थिक बने, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा बने। और तेल उसमें मेरी कढ़ाई में थोड़ी कम आपको नजर आएगी, वो इसलिए क्योंकि मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे कितनी सारी तेल है। तो जब मैं ये कटहल को इस पर ऐड करूँगी तो वो तेल भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा वो करना नहीं है। इसलिए देखिए मैं तेल आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी। और मैंने कुछ मसाले इसको पीस लिया है। इसमें मैंने डाला है प्याज तो मैंने फ्राइंग में भी डाल रही हूँ, पर एक प्याज को मैंने पीसा भी है। प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और काली मिर्च के 2-4 दाने, बस और कुछ नहीं पीसा है मैंने। इसी के साथ यहाँ पे ये जैसे ही हल्के हल्के ब्राउन हो जाएगी तो जो मैंने मसाला पीसा है उस मसालों को ऐड करूँगी। यहाँ मैंने मसाले को ऐड कर दिया है। मसाले ऐड करने के साथ साथ मैं ड्राई मसाले जो हमें सूखा मसाले यूज़ करते हैं उसको भी ऐड कर देंगे। और इसमें जैसे मैं सूखे मसाले में हम लोग लेंगे हल्दी, जीरा का पाउडर, धनिया थोड़ी सी सॉफ्ट का पाउडर लिया है मैंने, और मिर्च मसाला का पाउडर, मतलब लाल मिर्च पाउडर, इसे भी इस वक्त ऐड कर देंगे। ये कब ऐड करना है, ये जब हमारे अदरक लहसुन का जो कच्चापन चला जाए। यहाँ मैं 2 मिनट तक इसे भूजूंगी ताकि उसका कच्चापन चल जाए। उसके बाद सारे मसाले जो मैंने 5 बताया है वो मैंने एक कटोरी में रख के अब इसे हम बिल्कुल पीस देंगे, सॉरी इसे हमें मिला देंगे। मिलाने के साथ ही इसे 5 मिनट तक मैं इसे ढाक के करूँगी। और देखिए ये हमारा ढाक के किया गया है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही पानी ही ऐड किया था, इसलिए ये हल्की हल्की आपको लग रही होगी, पर इसे अच्छी तरह से अगर निकालेंगे तो ये निकल जाएगी, जली नहीं है ये। इसी के साथ मैं टमाटर डाल रही हूँ ताकि जब ये मसाले से चिपक गया है ना थोड़े से, वो टमाटर के पानी के साथ आराम से निकाल दिया जाए। टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो जब टमाटर हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसे डालेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसका कारनामा है बच्चे का। इसने क्या किया है, इसको मैंने कहा था कि एक एक आलू इसमें डाल दूँ, क्योंकि इसे जब मैं खाना बनाती हूँ तो इसे कुछ ना कुछ चीज़ में अंगेज करना बहुत जरूरी है। अगर इसे फ्री छोड़ दो तो ये पूरे घर का सत्यानाश कर देता है। तो मैंने कहा कि तुम एक आलू लो और इसमें डालो।
बट उसने पूरा दिखा दिया। तो इसे करने के बाद इसे समेटना होगा, उसी के साथ ये सारे बर्तन निकल गए, उसे धोना होगा। तो नमक ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड करने के साथ थोड़ी देर के बाद ये जो कटहल है इसे भी हम लोग ऐड कर देंगे और फिर इसे सिर्फ भूजेंगे। टमाटर पानी लगाना बता दें, हमें पानी हम यहाँ भी रख देंगे, छोड़ देंगे और उसके बाद इसमें तो टमाटर की पानी डाल दूंगी। इसमें जब गल जाएगा टमाटर तो ये डाल दूंगी चिकन। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चिकन मसाला, ये जो एक पाउच चिकन मसाला है 5 रुपीज का, ये मैं पूरा ऐड कर दूंगी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला है तो मैं चिकन मसाला ही ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें फ्लेवर अच्छा से आ पाए। अब इसके बाद हम लोग ये जो मेरा जो बॉयल वाला चिकन था जो मैंने फ्राई किया हुआ था वो चिकन मैंने डाल दिया। डालने के 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि इस प्रकार से इसमें देखिए मसाले आपको ज़्यादा नहीं दिख रही है लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो आप 5 रोटी उस दिन जरूर खाएंगे, जितना टेस्टी ये बनता है। और आपको अगर सब्ज़ी खाने की इच्छा होती है ना तो आप इसे सुखा के खा लेंगे। मेरा सब्ज़ी बन चुका है, डिनर का टाइम भी हो चुका है। मैं गई बच्चों को बुलाने के लिए जो अपने दादी के साथ बैठा हुआ है और ये रहा मेरा रात का सीन। आई थिंक रात के 9:30 बज रहे थे तो सब सन्नाटा हो चुका था। कौन बैठा है? देखो दादी और पोता। और मेरे घर की सारी लाइट आपको बंद नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि आप हर रूम की लाइट को चला के नहीं रखते थे। तो जिस रूम की ज़रूरत नहीं होती भले ही वो हॉल क्यों ना हो हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद इतनी सारी बर्तन निकली है, बर्तन मैं नीचे ही धोऊँगी तो बर्तन धो लूँगी और मेरा काम हो गया। यहाँ पर मैं पनीर की प्लेट्स को रेडी कर देती हूँ, उसको खाना दे दूँगी, वो अपना धीरे धीरे करके खाता रहेगा और मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी तो मेरा नाइट का काम भी होता है, खा भी लेगा। तो बन्नी को मैंने सब्जी दे दिया है, एक रोटी वो खाता है और अगर बहुत उसकी भूख लगी है, बहुत इच्छा होती है तो उसके बाद वो आधा खाता है, उससे ज़्यादा वो खाता नहीं है। तो वो ये हो गई एक रोटी और सब्ज़ी। इसके साथ मुझे गुड़ चाहिए, चाहे वो दाल रोटी क्यों ना खाए पर उसे गुड़ चाहिए खाने के लिए। सो मैं इसके लिए गुड़ निकाल ले रही हूँ तो उसको गुड़ दे दूँगी और उसे खाना दे दूँगी। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।